अभी मैं हूँ चरण पादुका मंदिर, और यहाँ से जो है आपको ये हिंदुओं का महान जो है धाम है, जो माता वैष्णो देवी धाम, वहाँ से मैं कटरा का जो है विहंगम दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं नीचे की ओर जो सिटी है, टाउन है, वही कटरा है। और यही कटरा में जो है यात्रु, जो दूर दराज से आने वाले जो यात्रु है, वो अपने ट्रेन से उतरने के बाद या बस से उतरने के बाद जो है यहीं के होटल में जो है अपना रात गुजारते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग या तो नाइट को जो है अपनी जो है पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। जो नीचे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे जो GI सीट यानी कि टीन से ढका हुआ कुछ पोर्शन नज़र आ रहा है, वहीं से जो है श्री माता वैष्णो देवी की जो है यात्रा शुरू होती है। वो पैदल जो यात्रु जो पैदल चल नहीं पाते हैं, उनको जो है पालकी में बैठने की और घोड़े की जो है सुविधा मुहैया कराई जाती है। वहाँ से जिनको भी घोड़े की सुविधा करना है, पालकी की व्यवस्था जो सेवाएं लेना है, उनको जो है वहाँ पे काउंटर है, काउंटर में जो है टिकट काटकर अपनी जो है सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूरे ही जो है श्री माता वैष्णो देवी जाने का जो रास्ता है, पूरा रास्ता जो है फुल्ली जो है GI सीट से कवर्ड है। यहाँ पे बारिश, धूप, छाँव, ओले या कोई भी चीज़ जो है यात्रियों के जो है यात्रा में कोई व्यवधान पैदा नहीं करता। तो यह है श्री माता वैष्णो देवी, और मैं अभी हूँ चरण पादुका मंदिर, जहाँ पे यात्रु जो है सबसे पहले अपना पहला मत्था टेकते हैं और मत्था टेकने के बाद जो है अपने आगे गंतव्य की यात्रा जो है शुरू करते हैं। तो मैं पल पल और ऐसे आगे की यात्रा जो है आपको कंटिन्यू अपडेट कराता रहूँगा। जय माता दी।